तो इस वीडियो में सीखने के बाद आपको मिलेगा कि बीपीएससी का जो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे हमें एक फोटो अपलोड करना पड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड, यहाँ उस सेक्शन में अपलोड फोटो का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो फोटो का रीसाइज करके कैसे अपलोड करने हैं और उसका साइज क्या होना चाहिए और कैसे अपलोड करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे अपना डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड फोटो वाले पे क्लिक करेंगे तो एक फ्रेश पेज ओपन हो रहा है। और इस पेज पे आने के बाद से आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यहाँ पे कुछ बताया गया है कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो डिग्निशन है उसका ये क्या होना चाहिए, विथ हाइट क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 250x250 इसका विथ और हाइट होना चाहिए और 25 KB से मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्स जो है 25 KB इसका फाइल होना चाहिए, उससे कम में JPG फॉर्मेट में इसे अपलोड करना है। तो इसका साइज कैसे बनाएंगे, अगर आप दुकानदार हैं, अगर आपके पास सेटअप है तो आप यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में को ओपन करेंगे। यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में जैसे कि न्यू पेज यहाँ पे कंट्रोल एन करके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कस्टम फाइल में आएंगे तो यहाँ पे विक जो आपका 250x250 होना चाहिए पिक्सल में, तो यहाँ पे 250 पिक्सल और 250 विक यहाँ हाइट कर लेंगे और ये जो रिजोल्यूशन है आपका 200 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये रिजोल्यूशन है ये 200 हो जाएगा आपका और यहाँ पे 200 होने के बाद से यहाँ पे कंट्रोल एन कर देंगे तो जैसे एंटर दबाएंगे तो आपका ये जो फाइल है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब एक बार और बता देते हैं आपको कैसे करने हैं। तो कंट्रोल एन करेंगे आपका न्यू फाइल यहाँ पे ओपन होने से पहले यहाँ पे आपको साइज सेट करने हैं 250 और यहाँ पे 200। ठीक है, आप ये चीज मेंशन कर लें, इसका फोटो ले लें, आपको कैसे यहाँ पे सेट करने हैं और यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो आप फोटो अगर आपके पास है तो यहाँ पे फोटो को यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर मतलब कॉपी करेंगे और डायरेक्ट इंट में कंट्रोल वी कर देंगे यानी कि कंट्रोल पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल टी करने के बाद से इसको सेट करेंगे, इसका साइज जो भी है यहाँ पे आप देख लेंगे कैसे यहाँ पे फिट हो रहा है इसमें। तो फाइनली मैंने इसको यहाँ पे इस बॉक्स में फिट किया 200x200 में पिक्सल में और मैंने एंटर दबाया, ये फोटो हमारा यहाँ पे फिट हो गया और यहाँ पे कंट्रोल एस यानी सेव करेंगे इसको। अब आपका जो भी लोकेशन है यहाँ पे लोकेशन पे इस फिर जैसे मैंने फोटो लिख करके और फोटो अपना लोकेशन चूज करके यहाँ JPG मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से और सेव पे बटन सेव पे क्लिक किया तो यहाँ हमारा फाइल बनते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे साइज में हमारा क्या है तो यहाँ पे 7 KB में हमारा आ रहा है। मैक्सिमम हमें साइज चाहिए 25 KB से कम ही हमें फाइल की जरूरत है तो यहाँ से साइज घटा बढ़ा सकते हैं, हाई लो और हाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो 9 KB में हो जा रहा है। अब यहाँ पे ओके कर देंगे, हमारा फाइल सेव हो गया है और यहाँ पे आएंगे अपना फोटो यहाँ पे चूज करेंगे और फोटो जो हमने जो जहाँ लोकेशन दिया उस लोकेशन पे आएंगे। जैसे मैंने ये फोटो यहाँ पे रखा है, फोटो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, हमारा फोटो यहाँ पे आ जा रहा है। देख सकते हैं कितनी स्वच्छता से यहाँ पे फोटो हमारा अपलोड हो रहा है और यहाँ पे सबमिट पेज पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन पेज आ रहा है, यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद हमारा यहाँ पे इमेज सक्सेसफुली हमारा अपलोड हो जाएगा। फिर हम आएंगे अपने डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड में एक बार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमारा ऑप्शन हट चुका है। यहाँ पे फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करते ही फिर हमारा जो है फेस यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा पेज और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एडमिट कार्ड का ऑप्शन। देख सकते हैं रिटेन एडमिट कार्ड डाउनलोड, अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक फ्रेश पेज यहाँ रिफ्रेश होगा और यहाँ पे हमें अपना डिटेल यहाँ पे देख करके और उसके बाद से यहाँ जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे ओके करके यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है फिल करने के बाद आपका जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड फाइनली जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, अब इस सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू हो जाएगा। कुछ सेकंड वेट करेंगे, अगर आपका यहाँ पे नेट स्पीड सही है तो यहाँ पे एडमिट कार्ड तुरंत प्रीव्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कैंडिडेट फादर्स नेम, फोटो आईडी जो आपने कौन सा दिया है उसका, लास्ट यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा आईडी का नंबर और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने जो फॉर्म भरते समय यहाँ पे दिया है, फोटो सिग्नेचर जो है यहाँ पे लाइव आपका लिया गया है और यहाँ पे फोटो आपका आ गया है। यहाँ पे सिग्नेचर हो सकता है कि यहाँ पे इसलिए ब्लैंक रखा गया है कि लाइव आपको फोटो यहाँ पे सिग्नेचर करवाया जाए, दो बॉक्स में यहाँ पे पहले से आपने जो अपलोड करवाया है या यहाँ फिर वेरिफिकेशन के लिए दो सिग्नेचर करवाया जाए। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर में आपका जिस डेट में आपका एग्जाम है तो यहाँ पे दे दिया गया है, एग्जाम सेंटर कोड दे दिया गया है, यहाँ पे आप देख लेंगे। अब यहाँ पे एक और एडमिट कार्ड शायद 20 तारीख के बाद इशू होगा जिसमें आपका एग्जाम का करेक्ट लोकेशन दिया रहेगा, इसमें सिर्फ एग्जाम सेंटर कोड दिया हुआ है कि सेंटर का कोड जो है यहाँ पे नेम दिया हुआ है। अब यहाँ पे करेक्ट जो होगा दूसरा जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 20 और 24 के बीच में होगा, 2 से 3 दिन पहले होगा। बाकी आपका जो भी डिटेल है इसमें ऐसा करके फोटो अपना अपलोड करके यहाँ पे डाउनलोड कर लें ताकि आप भी कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा एडमिट कार्ड यहाँ यहाँ निकल जा रहा है। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में ताकि और भी लोगों की इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।